कानपुर देहात से बड़ी जानकारी, सपा नेता के राइस मिल पर छापा। हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का छापा। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं फैजान खान। जीएसटी के छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राइस मिल समेत कई दुकानों पर छापेमारी हुई है। रसूलाबाद कोतवाली कस्बा इलाके में ये छापेमारी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जीएसटी के छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं फैजान खान, जीएसटी का यहाँ पर छापा। हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का छापा देखने को मिला है। तो कानपुर देहात से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर सपा नेता के राइस मिल पर छापेमारी हुई है। हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का छापा पड़ा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं फैजान खान। जीएसटी के छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राइस मिल समेत कई दुकानों पर छापेमारी हुई है। तो रसूलाबाद कोतवाली कस्बा इलाके में ये छापेमारी, सपा नेता के मिल पर छापा पड़ा है। यूपी के कानपुर देहात से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जीएसटी के छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप देखने को मिला है। राइस मिल समेत कई दुकानों पर छापेमारी हुई है। तो रसूलाबाद कोतवाली कस्बा इलाके में छापेमारी हुई है। सपा नेता के मिल पर छापेमारी हुई है। कानपुर देहात में सपा नेता के राइस मिल पर ये छापा पड़ा है। हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का ये छापा। तो जीएसटी के छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के कानपुर देहात से ये जानकारी, जहां पर सपा नेता के मिल पर छापा पड़ा है। रसूलाबाद कोतवाली कस्बा इलाके में ये छापेमारी हुई है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कानपुर देहात में सपा नेता के राइस मिल पर छापेमारी हुई है। हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का छापा पड़ा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी फैजान खान है। तो सपा नेता के मिल पर छापा पड़ा है। यूपी के कानपुर देहात से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात में सपा नेता के राइस मिल पर छापेमारी हुई है। हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का छापा पड़ा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी फैजान खान है। तो जीएसटी के छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप देखने को मिला है। राइस मिल समेत कई दुकानों पर भी छापेमारी हुई है। रसूलाबाद कोतवाली कस्बा इलाके में ये छापेमारी, सपा नेता के मिल पर ये छापा पड़ा है। कानपुर देहात से ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का छापा पड़ा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं फैजान खान। तो यूपी के कानपुर देहात से ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, सपा नेता के मिल पर छापा पड़ा है। रसूलाबाद कोतवाली कस्बा इलाके में ये छापेमारी हुई है। कानपुर देहात में सपा नेता के राइस मिल पर ये छापा पड़ा है। तो हाजी फैजान खान सपा नेता के मिल पर जीएसटी का ये छापा। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं फैजान खान। तो राइस मिल समेत कई दुकानों पर यहां पर छापेमारी की गई है। रसूलाबाद कोतवाली कस्बा इलाके में ये छापेमारी हुई है। सपा नेता के मिल पर छापेमारी हुई है। तो जीएसटी का ये छापा पड़ा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं फैजान खान। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहित कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए सपा नेता के मिल पर ये छापा पड़ा है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ऐसी कहीं ना कहीं हाजी फैजान खान जो सपा के नेता बताए जाते हैं रसूलाबाद से, और अभी हाल ही में आरक्षण जब जारी हुआ था उसके बाद में ये टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और इनकी राइस मिल जो है रसूलाबाद में है, जहाँ पर जीएसटी की छापेमारी की गई है, और पूरे रसूलाबाद कस्बे में जीएसटी की छापेमारी से सारी दुकानें बंद कर दी गई। हालांकि इनके मिल पर जीएसटी की अभी तक छापेमारी चल रही है, और कोई भी अधिकारी इस मामले में अभी तक वहां के जीएसटी के जो भी अधिकारी हैं कोई भी जवाब देने को नहीं तैयार है, लेकिन छापेमारी जो है लगातार जीएसटी की राइस मिल में जारी है। जी जी मोहित, देखिए जीएसटी की छापेमारी चल रही है, कितने बजे से छापेमारी शुरू हुई है? आयुषी बता दूं आपको कि अभी लगभग 1.5 घंटे हुए हैं इस छापेमारी के दौरान,
और अभी तक जो भी अधिकारी हैं, जितने भी जीएसटी के अधिकारी हैं, वो सारे मिल के ही अंदर हैं और अभी तक वहां पर किसी को मीडिया कर्मी जो भी है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये जानकारी ये मिल रही है, जब जीएसटी की कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही कोई अधिकारी बताएगा कि क्या कार्रवाई हुई, क्या 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 वहां पर मिला या जीएसटी बिल को लेकर के जो भी है वो सारी चीजें बाद में निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अभी तक जो है छापेमारी लगातार चल रही है और कस्बे में जीएसटी की छापेमारी से दुकानें भी जो है वो बंद है वहां पर रसूलाबाद कस्बे में। जी मोहित, देखिए राइस मिल के आसपास कई दुकानें हैं, वहां पर भी ये जीएसटी की छापेमारी देखने को मिली है। बिल्कुल आयुषी, कहीं ना कहीं इतना बड़ा कस्बा है कानपुर देहात का रसूलाबाद, जहां व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक राइस मिल के ही अंदर जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है और छापेमारी चल रही है जीएसटी को लेकर के, लेकिन अभी तक जो आसपास की दुकानें हैं, सारे व्यापारी जो लोग वहां पर रहते हैं वो भी दुकानें बंद करके चले गए हैं। कोई भी कस्बे में एक भी दुकान नहीं खुली हुई है जितने भी व्यापारी वर्ग के हैं। तो जीएसटी की जो टीम अभी सिर्फ राइस मिल पे छापेमारी कर रही है और जितने भी वहां पे जितनी भी दुकानें हैं सारी दुकानों में जीएसटी की छापेमारी की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सपा नेता के मिल पर छापेमारी की गई है, ये बड़ी अपडेट यूपी के कानपुर देहात से।